नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में जहरीली शराब पीने से 100 से भी अधिक मौतें हो चुकी हैं। बावजूद इसके जिले में जहर का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला फूलपुर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। हैरत करने वाली बात यह है कि विभाग की मिलीभगत से इस फैक्ट्री से बनी देसी शराब को सरकारी ठेकों पर बेचा जा रहा था, जिसका खुलासा आज पुलिस अधीक्षक ने करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लगभग 5 लाख रुपए की अवैध शराब, शराब बनाने के उपकरण आदि बरामद किया गया है। फूलपुर कोतवाली पुलिस को सूचना मिल रही थी कि सैदपुर गाँव में अवैध देसी फैक्ट्री संचालित हो रही है। सूचना के बाद पुलिस ने मुखबिर की सहायता ली। मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस ने सैदपुर स्थित एक मकान पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान मकान के अंदर मौजूद तस्करों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने इस दौरान वहां 3 आरोपियों अवधेश कुमार, गोरख कुमार, ओम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मकान के अंदर से करीब 5 लाख रुपए की अपमिश्रित शराब, शराब बनाने की सामग्री और उपकरण आदि सामान बरामद किया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने पुलिस को बताया कि इस फैक्ट्री से निकली देसी शराब आबकारी अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी देसी शराब की दुकानों पर बेचा जाता था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले में पुलिस की टीमें जांच कर रही हैं। फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। फूलपुर थाना की टीम जो है गई और जाकर के इन लोगों ने रेड किया एक जगह पे। रेड करने पे पूरा जो देसी शराब बनाने का पूरा एपरेटस मिला, रैपर्स मिले, प्रिंटेड चीजें, यही नहीं वो उसके जो होलोग्राम है वो भी गलत मिले हैं, जो इस तरह के चीज़ें हैं और प्लस काफ़ी मात्रा में जो है बनी हुई अवैध दारू मिली है, जिससे बनाया जाता है दारू वो ऑपरेटर्स की मशीन भी बरामद हुई है। इस तरह कुल करीब 5 लाख रुपए की बरामद की हुई है लगभग। तो मामला प्रकाश में आया कि लोग सरकारी दुकानों पर भी सेल करवाए करते हैं। हाँ, ये अभी हम लोग इस पर हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि किन किन, जैसा कि ये बात आ रही है कि सरकारी दुकानों पे भी संभवतः ये भेजते थे, इस बिंदु पे भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। दूसरा, ये कौन लोग इसके पीछे थे, ये कहाँ कहाँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता था, ये पूरे नेटवर्क पे हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, अभी इस बिंदु पे अभी हम लोग जांच कर रहे हैं कि किसकी मिली भगत है। अगर निश्चित रूप से किसी विभाग की और किसी भी सरकारी कर्मचारी की इसमें मिली भगत होती है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, क्योंकि उनके नाम आ गए हैं, उनको विवेचना में उनका नाम आ गया है, वो भगे हुए हैं, उनके यहाँ भी रेड गई थी, उनकी शीघ्र गिरफ्तारी हो जाएगी। इतना सख्त कानून होने के बावजूद किस तरह से धड़ल्ले से लोग शराब बना रहे हैं? देखिए, अब जो 66A आया है कानून में, जिसमें फांसी तक की भी सजा है, आज हम लोगों ने वही धारा लगाई है। 66A एक्साइज एक्ट में जो अमेंड हुआ है वो धारा हम लोगों ने लगाया है, और इसमें तो फांसी तक की भी सजा है।